पहले से कर दिया था। तो अपनी हाँ रिकॉर्डिंग हाँ होगी बाद में, बात करके आ जाएगा वीडियो चालू हो जाएगा अपन जो डिस्कस कर रहे हो भाई। जी पीपीटी अभी बने रहने के बाद मिलाना है शेयर स्क्रीन को। तो पहले क्या करेंगे आप बात बात करोगे? नमस्कार नमस्कार फिर शेयर कर देंगे लगी रहें दो ठीक जो उनको दिख रही उनको दिख रही होने के लिए तो शेयर की है। हाँ दिख रही है ना। ज्वाइन कराओ मैं ज्वाइन कराओ आपको ज्वाइन कराता हूँ अच्छा ज्वाइन कराओ एडमिट आ गई कैसे ज्वाइन कराएं यहाँ पे एडमिट करते हैं सर एडमिट कर दो सर ये ऐसे आ रहा है स्क्रीन भी आ रही है और फोटो आ रही है। अच्छा अच्छा दोनों चीज आ रही तो ये अपन पढ़ाएंगे तो स्क्रीन जल्दी रहेगी। आवाज आ रही है आवाज क्या सर हमारी हमारी हेलो हेलो आवाज आ रही है आ रही है सर स्क्रीन क्या था नहीं आपकी हमारी नहीं आ रही आपको इनका माइक चालू है ना इनका माइक चालू है ना माइक चालू माइक चालू है हाँ हेलो इनको एडमिट करा लेंगे किसको हाँ सबको करा लो चार तीन बजे चार तीन अटैच हो गए कराते हैं तीन लोग आ गए अरे जो आ जाए तो ठीक है नहीं आ जाए तो अपन तो अकेले बोलेंगे है कि नहीं शुरुआत है लोग धीरे धीरे पता लगता है कथा होती है तो पहले दिन कम आते लोग दूसरे दिन धीरे धीरे पता लगे तो आते हाँ ये कोई मांग रहा है मीटिंग की लिंक कौन मांग दे दो पता नहीं बाबा जी कौन दे दो शेयर कर दे दो एडमिट ऑल करा रहा हूँ माया पांडे सबको म्यूट करा दिया मैंने अभी म्यूट कर दिया नो हाँ म्यूट कर दो हाँ अपनी आवाज नहीं चलाई देगी ना अपनी अभी तो जा रही है अपनी उनको जा रही है एक मिनट
हेलो है ये हेलो गुड आफ्टरनून सभी के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट ग्वालियर से सभी के लिए गुड आफ्टरनून आज हमारे नमस्कार 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 हमारे हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल साहब के निर्देशन में कि हमारे यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जा रही है आज से और इस ट्रेनिंग में सभी चाइल्ड से रिलेटेड मेंटर्नल हेल्थ सब्जेक्ट और एडोलेसेंट हेल्थ एनसीडी के सब्जेक्ट ये सभी चीजों के बारे में एक घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो रहा है आज से उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग आके यहाँ ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो लाभान्वित होंगे अपने सभी मेडिकल ऑफिसर्स हैं और स्टाफ ANM और हमारे सब सेंटर पे ANM जो रहती है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और आशा वर्कर भी तो ये आशा तक सब लोगों को इसका फायदा मिले ऐसा कमिश्नर साहब की इच्छा है और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जा रही है तो आज आज का टॉपिक बच्चों के लिए ये डायरिया इन चिल्ड्रन मैं डॉक्टर डी शर्मा डायरेक्टर स्टेट इंस्टीट्यूट हेल्थ मैनेजमेंट ग्वालियर तो आज अपन चर्चा करेंगे डायरिया इन चिल्ड्रन के बारे में डायरिया बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है करीब करीब हर बच्चे को साल में 3-4 एपिसोड डायरिया के होते ही है तो डायरिया के लिए नहीं कर रहा एक मिनट अपन डायरिया के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें तो डायरिया इज द रीसेंट चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल
कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मोशन में अगर रिसेंट चेंज होता है, बैटरी मोशन तीन चार बार जाता है, तो अपन बोलेंगे बच्चे को डायरिया हो रहा है। तो इसकी परिभाषा में यही कि पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स एटलीस्ट थ्री टाइम्स इन 24 आवर्स। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट इन डायरिया, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी। भले ये दो बार भी हो, लेकिन अगर वाटरी है तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो अपन उसको डायरिया बोलेंगे। और कैसी कौन कौन सी कंडीशन है उनको डायरिया अपन नहीं बोलते, जैसे फ्रीक्वेंट फॉर्म स्टूल। अगर बच्चा बंधा हुआ दस्त पास कर रहा है, मोशन पास कर रहा है, बार बार भले ही हो रहा है वो, लेकिन उसको अपन डायरिया नहीं बोलते। दूसरा, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फेड चाइल्ड, उन ब्रेस्ट फेड चाइल्ड में जैसे ही बच्चा दूध पीता है वो थोड़ा थोड़ा मोशन हर बार जाता है। जैसे ही दूध पेट में जाता है तो उसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से मोशन पास डायरिया नहीं बोलते। भले वो 5-6 बार दिन में जा रहा हो, लेकिन बंधा हुआ दस्त जाता है तो उसको अपन डायरिया नहीं बोलते। ऐसे ही ट्रांजिशनल स्टूल, जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू के दो दिन मेकोनियम ब्लैक कलर स्टूल पास होता है कई बार दिन में, और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, ग्रीनिश होता है, तो वो ट्रांजिशनल डायरिया, उसको भी अपन डायरिया नहीं बोलते। तो इस तरह से कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि बच्चा 5-6 बार जा रहा है, 3-4 महीने का बच्चा है, अगर 3-4 बार दस्त जा रहा है या 5-6 बार भी जा रहा है, ब्रेस्टफेड चाइल्ड है, तो उसको डायरिया समझ के वो इलाज के लिए दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे एएनएम को भी, सीएचओ को भी, स्टाफ नर्स को भी, कि ये डायरिया नहीं है। ब्रेस्टफेड चाइल्ड 6 महीने तक बच्चे माँ का दूध पीते हैं और 5-6 बार भी अगर मोशन जाते हैं और मोशन बंधा हुआ है, बैटरी नहीं है, तो उसको कोई बच्चे को परेशानी नहीं होगी, उसको डायरिया अपन नहीं बोलते। ये कंसेप्ट सबको मालूम होना चाहिए, हमारी आशा कार्यकर्ता से लेके और डॉक्टर्स तक सभी को। नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स बड़ी चिंता में आते हैं और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, जबकि वो डायरिया होता नहीं। अब अपन बात करें कि डायरिया कितने तरह का होता है। तो कॉमनली एक्यूट वाटरी डायरिया, जिसकी अपन आज चर्चा कर रहे हैं, तो 80-85% केसेस डायरिया के एक्यूट वाटरी डायरिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें डायरिया 5-7 दिन में डायरिया ठीक हो जाता है, वाटरी मोशन होता है बच्चे को। और दूसरा होता है डिसेंट्री, इसमें ब्लड मिक्स स्टूल, ब्लड आने लगे अगर स्टूल के अंदर तो अपन उसको बोलते हैं डिसेंट्री। ये 5-15% बच्चों में हो सकता है। तीसरा कैटेगरी अपन परसिस्टेंट डायरिया, तो परसिस्टेंट डायरिया भी जो खासकर मालरिस चाइल्ड होते हैं, और डायरिया के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर बात डायरिया एक्यूट फॉर्म से शुरू हुआ, एक्यूट वाटरी डायरिया है, लेकिन वो कंटिन्यू करता है मोर देन 14 डेज, तब अपन उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। तो ऐसे केसेस भी खासकर जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें रहते हैं, 5% केसेस ये डायरिया के देखने को मिलते हैं। चौथी कैटेगरी क्रॉनिक डायरिया, ये इंसिडियस ऑनसेट होता है मोर देन 14 डेज, और बड़े बच्चों में तो ये मोर देन 4 वीक्स और ज़्यादा पीरियड का रहता है। तो बहुत सारी कंडीशन इसमें आती हैं, इसकी क्लास अलग से अपन लेंगे। अब अपन बात करें डायरिया वाले बच्चों में असेसमेंट कैसे करते हैं, डायरिया वाले बच्चों में असेसमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही माँ बच्चे को लेके आती है, उसके बच्चे को डायरिया हो रहा है, तो अपन उससे पूछे हैं बच्चे का ड्यूरेशन, कितने दिन से दस्त हो रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया। उसके बाद अपन पूछते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार दिन में दस्त जाता है, और उसमें ब्लड है या म्यूकस है या सिंपल वाटरी मोशन है, इसकी अपन जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। तीसरा अपन पूछते हैं जिस बच्चे को डायरिया हो रहा है उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, अगर वॉमिटिंग है तो वो हरे रंग की तो नहीं है, बिलियस वॉमिटिंग तो नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, पूछते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फीवर, बच्चे को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके बारे में भी अपन माँ से पूछते हैं, झटके तो नहीं आ रहे, रिसेंट मीजल्स का अटैक तो नहीं हुआ,
क्योंकि ये पोस्ट मेजल डायरिया भी काफी कॉमन होता है, तो इसकी अपन हिस्ट्री लेते हैं, असेस करते हैं। फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि बच्चे की फीडिंग प्रैक्टिस क्या है, बोतल से दूध तो नहीं पिला रही, फार्मूला फीड तो नहीं दे रहे, ये अपन पूछते हैं। फिर मेडिसिन की हिस्ट्री पूछते हैं, कोई दवाई तो नहीं चल रही बच्चे की, कोई दवाई खा तो नहीं रहा है, कई ड्रग्स भी, ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया भी बच्चों में होता है, तो ये अपन असेस करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कार्डिक कंडीशन है, रीनल कंडीशन है, HIV है, इनके बारे में भी अपन असेस करते हैं। कोई भी डायरिया का बच्चा आता है तो ये सब चीज़ों का असेसमेंट अपन करते हैं। अब अपन डायरिया के रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में डायरिया होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पुअर सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन में हैंड वॉश, ये कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होता, खासकर रूरल एरिया में तो हैंड वॉश नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चों को डायरिया होता है, पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में और काफ़ी अर्बन एरिया में भी कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई खासकर रेनी सीजन में ये होती है, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। तीसरा है अनसेफ फूड प्रिपरेशंस, जो फूड प्रिपरेशन बच्चे को खिला रहे हैं वो भी अगर सेफ नहीं है, खराब हो गई हैं, उनको बच्चे को खिला दिया तो भी डायरिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। लो रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से नहीं कराते कई लोग, अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग का परसेंटेज 50% से नीचे ही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग सभी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, और जहाँ नहीं मिलता है वहाँ चांसेस ऑफ डायरिया ज़्यादा होता है। दूसरा इम्यूनाइजेशन रोटा वायरस के लिए, जो अपन इम्यूनाइज करते हैं बच्चे को, रोटा वायरस जो इम्पोर्टेंट कॉज है डायरिया का, तो अपन पूछते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर है, अगर इम्यूनाइजेशन बच्चे का हुआ है या नहीं, रोटा वायरस का वैक्सीन दिया है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। बोतल फीडिंग बच्चों में डायरिया का इम्पोर्टेंट कॉज है, खासकर कई लोग अर्बन एरिया में, वो दूध पिलाने के लिए माँ के दूध के अलावा ऊपर का दूध बोतल से पिलाते हैं, और बोतल कभी भी क्लीन ठीक से नहीं होती, अच्छे से बॉयल नहीं करते, और उसी बोतल में ठंडे पानी से धो के उसमें दूध बार बार भर लेते हैं, और उससे डायरिया होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जो कुपोषित बच्चा होता है उसमें सभी टाइप के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, और उसमें डायरिया भी एक है, तो डायरिया कुपोषित बच्चों में ज़्यादा है मिलता है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन डिफिशियंसी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे की भी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो बच्चा कमज़ोर होगा, जिसमें डिफिशियंसी होगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, उस बच्चे में डायरिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और HIV इन्फेक्शंस, तो HIV इन्फेक्शन ये भी काफ़ी कॉमन है, अगर जिस बच्चे को HIV इन्फेक्शन है, पेरेंट्स को है, उसमें भी ये डायरिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है कि पर्सनल हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं मिलता उसकी वजह से डायरिया होता है, फूड प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं खाते बच्चे उसके वजह से भी डायरिया होता है, कई बार भंडारों में या खाना खराब हो जाता है, दूसरे दिन रखा हुआ खाना खिला देते हैं, इन सब कारणों से डायरिया के केसेस काफ़ी आते हैं। डायरिया के केस में विशेष जांच की आवश्यकता तो नहीं होती, क्लिनिकल बच्चे को देखने से पता लग जाता है कि ये किस तरह का डायरिया है, और इसमें फिर भी अगर जांच कराना पड़े तो उसके लिए अपन स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपिक स्टूल कल्चर, ब्लड काउंट कल्चर, रीनल फंक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जांचें डायरिया के केसेस में कराते हैं। नेक्स्ट चेंज को नहीं होती, हाँ, डायरिया का कोई केस जैसे माँ बच्चे को लेके आती है
सबसे पहले अपन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए जो डिहाइड पानी की कमी बच्चे में हो रही है उसके लिए अपन असेस करते हैं वो असेस कौन से भाई तुम चढ़ क्यों आ रहे हो उन असेसमेंट के लिए अपन क्या क्या चीजें देखते हैं जैसे कोई बच्चा माँ लेके आती है तो उस बच्चे में पानी की कमी के लक्षणों के बारे में अपन जांच करते हैं तो लक्षण क्या क्या लक्षण हो सकते हैं बच्चा अलर्ट हो सकता है बच्चा इरिटेबल हो सकता है बच्चा ड्राउजी हो सकता है कंडीशन ऑफ द चाइल्ड बच्चे की दिमागी हालत कैसी है बच्चा नॉर्मल अलर्ट है या बच्चा इरिटेबल है या बच्चा सुस्त हो गया है तो इरिटेबल बच्चा को अपन कैसे पहचानेंगे इरिटेबल चाइल्ड वो होता है जो पानी देने से तो चुप हो जाए या ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगे मदर तो बच्चा चुप हो जाए जैसे ही पानी जाता है बच्चे के पेट में तो बच्चा चुप हो जाता है अदरवाइज वो रोता रहता है ऐसे बच्चे को अपन बोलते हैं इरिटेबल चाइल्ड तो इरिटेबिलिटी ये साइन है क्या बच्चे में ये अपन को देखना है फिर बच्चा सुस्त या बेहोश तो नहीं है अगर इरिटेबल बच्चा उसके बाद भी अपन ने ध्यान नहीं दिया बच्चे के शरीर से पानी ज्यादा निकल गया तो क्या होगा बच्चा वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और बच्चे का सुस्त हो जाएगा सुस्त या बेहोश और लास्ट में बेहोश हो सकता है तो ये साइन अपन को देखना है असेस करना है डिहाइड्रेशन का ये साइन है फिर अपन देखते हैं संकन आईज के लिए तो संकन आईज उसको बोलते हैं कि आंख के चारों तरफ गड्ढे पड़ना फिर माइल्ड संकन आई होगा फिर सीवियर होगा ज्यादा होगा तो ये संकन आई इसके लिए अपन माँ से पूछते हैं किस बच्चे की आंखों के आसपास गड्ढे पहले से ही हैं या आज दिख रहे हैं पानी की कमी की वजह से तो ये साइन अपन को देखना है तीसरा अपन देखते हैं स्किन पिंच तो स्किन पिंच अगर जैसे अपन चमड़ी पेट की चमड़ी पकड़ के उठाते हैं तो इमीडिएटली वापस जाना चाहिए अगर डिहाइड्रेशन नहीं है और अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें लेस देन 2 सेकेंड में स्लोली वापस जाती है और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया सीवियर हो गया तो उसमें अपन वेरी स्लोली स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली तो ये साइन अपन को देखना पड़ता है इन्हीं साइन और उसके आधार पे अपन बच्चे का डायरिया वाले बच्चे का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये चीज अपन को देखना है बच्चा अलर्ट है कि नहीं बच्चा इरिटेबल तो नहीं है बच्चा संकन आई और लिथार्जिक तो नहीं है संकन आईज तो नहीं है उसकी और स्किन पिंच इमीडिएटली जा रही है वापस या स्लोली जा रही है स्लोली मीन्स 2 सेकेंड से कम समय में और वेरी स्लोली मीन्स 2 सेकेंड से ज्यादा समय में तो ये साइन अपन को देखना है ये डिहाइड्रेशन के साइन असेस करने के बाद अब अपन आते हैं इसका क्लासिफाई करने पे कोई भी बच्चा होता है डायरिया का उसको अपन को क्लासिफाई करना होता है और क्लासिफाई करने के लिए जो अपन साइन अपन ने बताए उन्हीं साइन के आधार पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं जैसे ये पिंक कलर में पहले ऊपर की टेबल में जो दिख रहा है तो 4 साइन लिखे हैं इसमें बच्चा लिथार्जिक या अनकॉन्शियस है या बच्चे की संकन आईज है या बच्चा नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली पी नहीं पा रहा है ठीक से और चौथा है स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली तो ये 4 साइन में से कोई 2 साइन मिलना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए अपन को इन 4 में से कोई 2 साइन अपन को मिलना चाहिए अगर 2 साइन मिलते हैं तो उस बच्चा किस में आएगा सीवियर डिहाइड्रेशन डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन ये पिंक कलर की टेबल है ये सीरियस बच्चा है इस बच्चे को अपन रिफर करते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और इस बच्चे का इलाज प्लान सी जिसमें आईवी फ्लूड देना पड़ता है तो आईवी फ्लूड देते हुए इस बच्चे का इलाज करते हैं बच्चे को एडमिट करते हैं अर्जेंटली और रास्ते में भी इसको ओआरएस तो देना ही है अगर बच्चा कॉन्शियस है ले सकता है पी सकता है तो उसको ओआरएस भी देते रहना है तो इस तरह पहला ग्रुप अपना क्या हुआ डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन अब नेक्स्ट ग्रुप येलो जो कलर में है वो बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन अपन क्लासिफाई कब करेंगे जब ये जो 4 साइन लिखे हैं उन 4 में से 2 साइन पॉजिटिव हों जैसे पहला रेस्टलेस और इरिटेबल बच्चा इरिटेबल है या रेस्टलेस है दूसरा साइन संकन आईज बच्चों की आंख के चारों तरफ गड्ढे पड़ रहे हैं संकन आईज
तीसरा ड्रिंक्स ईयरली और थ्रस्टी, बच्चे को प्यास बढ़ जाती है, पानी मांगने लगता है, चम्मच से पानी पिलाओ तो चम्मच छोड़ता ही नहीं, तो इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बढ़ जाएगी। चौथा साइन है स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, स्लोली मीन्स 2 सेकंड से कम समय में स्किन पिंच, वापस स्किन अपनी जगह जा रही है। तो इन चार में से कोई 2 साइन मिलना चाहिए, 2 साइन अगर मिलेंगे तो अपना क्लासिफिकेशन इस बच्चे का होगा डायरिया विथ सम डिहाइड्रेशन, या बच्चा इरिटेबल हो, संकनाई हो, या फिर इरिटेबल के साथ ड्रिंक्स ईयरली और थ्रस्टी हो, तो अपना क्लासिफिकेशन सम डिहाइड्रेशन होगा। इस सम डिहाइड्रेशन वाले बच्चे को अपन 4 घंटे तक अपनी निगरानी में रखते हैं, और इसका इलाज कैसे करते हैं, प्लान बी से, ORS देंगे, जिंक देंगे, प्लान बी के हिसाब से इसका इलाज इस बच्चे का करना होता है। तीसरा कैटेगरी ग्रीन कलर में है कि कोई इनफ साइन नहीं मिले, अपन को 4 साइन में से केवल 1 साइन मिला, बच्चे को 2 दिन से दस्त हो रहे हैं और बच्चा इरिटेबल है, इसके अलावा अगर कोई और साइन नहीं है उसमें, तो उस बच्चे का क्लासिफिकेशन आएगा डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन, डायरिया तो हो रहा है उसको लेकिन पर्याप्त साइन नहीं है, 2 साइन नहीं मिले क्लासिफाई करने के लिए। अगर केवल एक ही साइन है या एक भी साइन नहीं है, केवल डायरिया है, तो उस बच्चे का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन। तो ये क्लासिफिकेशन अपन तभी अच्छे से कर सकते हैं जब ये साइन पहचानना आता हो और साइन ठीक से अपन पता लग जाए, तभी बच्चे का क्लासिफिकेशन होता है। और जो बच्चे को डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन वाला बच्चा है, उसको अपन इलाज करते हैं, उसका मैनेजमेंट किससे करेंगे, प्लान ए से। प्लान ए में घर पे ही इलाज करते हैं, उसको एडमिट नहीं करते, घर पे कराते हैं, जिंक देते हैं, फ्लूर देते हैं, आगे अपन आगे बताएंगे प्लान ए क्या होता है। तो इस तरह से अपन को 3 कैटेगरी में बच्चे को डिवाइड करते हैं डायरिया वाले बच्चे। सबसे पहला सीवियर डिहाइड्रेशन, जो सीरियस माना जाता है, जिसको एडमिट करके आईवी फ्लूड लगाना पड़ता है। येलो कलर में जो सम डिहाइड्रेशन, उसमें अपन 4 घंटे निगरानी में बच्चे को रखते हैं और ORS देते हैं। और तीसरा है डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन, इसमें बच्चे को एडमिट नहीं करते, घर के लिए ORS पैकेट देते हैं और कुछ एडवाइस मदर को देते हुए घर भेज देते हैं। इस तरह बच्चे का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये कुछ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, बच्चे में पानी की कमी होती है तो अपन इसमें डिहाइड्रेशन के साइन मिलने लगते हैं, जो अपन ने चर्चा की अभी क्लासिफिकेशन करते समय। जैसे डायरिया जैसे ही शुरू होता है, पानी की कमी होने लगती है, तो बच्चा इरिटेबल, सबसे पहले इरिटेबल होता है, इंक्रीज थ्रस्ट होती है उसको, इसमें एक बच्चा इरिटेबल भी है। फिर जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ती जाती है, तो उसकी जो सेकेंड चाइल्ड है उसको संकनाइज, 2 बच्चों में दिख रही है संकनाइज, और ये स्किन पिंच वेरी स्लोली, जो स्किन पिंच जा रही है वो वेरी स्लोली, वो मोर देन 2 सेकंड में अपनी पोजीशन में आ पाती है, तो ये मिल सकती है। तो ये साइन किसका हुआ, ये बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइन है, और ये नॉर्मल बच्चा है, डायरिया है लेकिन बच्चे में साइन नहीं है। तो इस तरह ये साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ये बच्चों में अपन देखते हैं, और इन्हीं साइन के आधार पर अपन बच्चे का क्लासिफिकेशन करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि बच्चे प्लान सी से उपचार करना है, प्लान बी से करना है, या प्लान ए से करना है। ठीक, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरिया विथ नो डिहाइड्रेशन, एक्यूट वाटरी डायरिया की बात कर रहे हैं, और उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है बच्चे को, डायरिया हो रहा है, तो इसके लिए अपन ने बताया कि प्लान ए का यूज करते हैं, प्लान ए के हिसाब से इसका इलाज करते हैं। तो प्लान ए में 4 बातें होती हैं, पहली बात ORS देना है और तरल पदार्थ, होम अवेलेबल फ्लूड, घर में जो तरल पदार्थ उपलब्ध हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना है, जिससे पानी की कमी बच्चे को ना हो, ORS देना है और तरल पदार्थ देना है। दूसरा चीज़ है इसमें, इस प्लान में बच्चे को स्तनपान, अगर 6 महीने से छोटा है तो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, और बड़ा बच्चा है तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ऊपर का आहार भी बच्चे को देना है, बंद नहीं करना, ऊपर का दूध भी देना है, ऊपर का आहार भी देना है। तीसरी चीज इस प्लान में है कि बच्चे को 14 दिन तक जिंक टैबलेट देना है, 14 दिन तक जिंक टैबलेट, 2 से 6 महीने बच्चे को 10 मिलीग्राम
और 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 14 दिन तक जिंक की टैबलेट देना है। और चौथा इस प्लान में है कि बच्चे को माँ को समझाना है कि तुरंत वापस घर से कब लाना है। तो ये कुछ चिन्ह हुए हैं, चिन्ह वो बता देते हैं माँ के लिए कि बच्चा अगर अधिक बीमार हो जाए या स्तनपान बंद कर दे, कोई पानी या दूध न पिए, या उसके मल में खून आने लगे, ब्लड आने लगे स्टूल में, और या बच्चा बहुत कम पी रहा हो, पानी पी रहा, दूध पीना कम कर दे, और या बच्चे को बुखार आ गया हो, या बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही हों, तो ये 5-6 सिम्टम अपन माँ को बता देते हैं कि बच्चे को अगर ये चीज़ दिखाई दे, बच्चा अधिक बीमार हो जाए, स्तनपान करना बंद कर दे, ब्लड आने लगे, कम पानी पिए, या फीवर आ जाए, या लगातार उल्टियां कर रहा हो, तो इतनी कंडीशन अगर हो तो माँ को तुरंत अस्पताल में वापस ला के दिखाना है। क्योंकि प्लान ए में अपन अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसको घर भेज देते हैं और माँ को समझाइश दे के भेजते हैं कि अगर बच्चे में ये चिन्ह दिखाई दें तो बच्चे को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए लाना है। इसके अलावा माँ को ये भी सिखा बता के भेजते हैं कि ORS कैसे बनाना है घर पे और कैसे पिलाना है, कितना पिलाना है, ये बात भी माँ को समझा कर ही भेजते हैं। तो ORS बनाने से पहले पहले अपन बताते हैं कि माँ अच्छे से अपना हैंड वॉश करे, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद एक बर्तन ले, वो साफ बर्तन में 5 ग्लास 200 ml वाले, तो 5 ग्लास पानी, सादा पानी, साफ पानी उस बर्तन में ले, फिर ORS का पैकेट ले, उस ORS पैकेट में एक्सपायरी डेट चेक करें, उसमें कोई जमे हुए पाउडर तो नहीं है, उसका जो पाउडर है वो जम तो नहीं गया, ऐसा ORS लेके एक्सपायरी डेट जिसकी ठीक हो, और उसको उस पाउडर को उस बर्तन में डालना है, फिर उसको अच्छे से ORS को मिलाना है, साफ पानी में घोलना है, उसको अच्छी तरह ये घोलना है, और घोलने के बाद पहले स्वयं उसको टेस्ट करना है, आंसुओं जैसा उसका टेस्ट होता है ORS का, तो पहले टेस्ट करना है, फिर उस बच्चे को, छोटे बच्चे को पिलाना है। तो ये प्रोसीजर पहले माँ को समझा के ही घर भेजना है कि ORS को कैसे बनाए और अपने सामने उससे बनवाना है। तो ORS बन जाए फिर उसको ये भी बताना जरूरी है कि कितना ORS वो पिलाए, ये बहुत ज़रूरी है बताना। अक्सर क्या होता है, अपन 2 पैकेट पकड़ा देते हैं, घर पर पिला देना, तो वो करती क्या है, ORS में से 2 पैकेट पाउडर 2 चम्मच निकाला, थोड़ा पानी में घोला और पिला दिया, तो 1 पैकेट को एक साथ नहीं घोलती, वो धीरे धीरे कई बार में घोल के धीरे धीरे पिलाती रहती। तो अपन को पहली बार में माँ को पूरा बताना है कि ORS कैसे वो बनाए, और एक बार बनाया हुआ ORS 24 घंटे तक चलता है, उसको साफ ढक के बर्तन में रख ले और उस बच्चे को पिलाना है। अब पिलाना कितना है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका बच्चे का उम्र 2 महीने से कम है तो 2 महीने तक के उम्र के बच्चे को अपन को हर दस्त के बाद 5 चम्मच ORS पिलाना होता है, 5 चम्मच ORS हर दस्त के बाद पिलाना पड़ता है। और जब बच्चे की उम्र 2 महीने से लेके 2 साल तक की है अगर उसके, तो उसको बताओ कि 50 ml से 100 ml तक ORS उसको पिलाना है, ये हर दस्त के बाद पिलाना है। जितनी बार भी बच्चा दस्त जा रहा है उतनी बार इतने अमाउंट में ORS पिलाना है। अगर बच्चा 2 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसको 100 ml से 200 ml ORS पिलाना है हर दस्त के बाद। तो इसमें ORS पिलाने का नियम क्या है, हर दस्त के बाद इतनी क्वांटिटी पिलाना है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अक्सर डॉक्टर लोग या अपने हेल्थ वर्कर ANM ये अगर ये नहीं बताएंगे तो वो अंदाज से पिलाएंगे, तो उसका फ़ायदा बच्चे को नहीं होता है, फिर उसको एक्सेप्टेंस भी होता है कि बच्चा ORS पीता नहीं है। तो ऐसा है बच्चे को वो अधिक शक्कर मिला के ORS मीठा करके पिलाने लगते हैं तो वो फ़ायदा नहीं करता है। अप्रोप्रिएट WHO ORS जो होता है वही प्रॉपरली पूरा पैकेट 1 लीटर पानी में घोल के बनाना चाहिए और उसको धीरे धीरे जितनी मात्रा बताई जा रही उतनी मात्रा में माँ उसको पिलाएगी तो डेफिनेटली उसको बच्चे को लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़, घर में अवेलेबल पदार्थ इस प्लान में अपन बताते हैं के उपयोगी पदार्थ, जो लिक्विड पदार्थ हैं घर में उनको बच्चे को पिलाना है जिससे पानी की कमी ना हो। अब क्या क्या उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं घर में, सबसे इम्पोर्टेंट तो माँ का दूध ही है,
तो माँ का दूध बंद नहीं करना। जब भी दस्त लगते हैं बच्चे को तो माँ का दूध की फ्रिक्वेंसी और बढ़ा देना चाहिए। माँ के दूध में पानी होता है तो उस पानी की मात्रा बच्चे को मिलना चाहिए अधिक से अधिक। तो फ्रीक्वेंसी माँ के दूध में बढ़ा देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की। दूसरा छाछ, लिक्विड चीज़ों में छाछ पिलाना है, नींबू पानी पिलाना है, चावल का मार उसमें नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा, दाल या सब्जी का पानी भी पिलाना है, ताजे फलों का रस उसमें शक्कर नहीं डालना, ताजे फलों का रस ये अपन पिला सकते हैं, और सादा स्वच्छ पानी भी दे सकते हैं, और ORS देना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो उपयोगी तरल पदार्थ हैं घर में उपलब्ध रहते हैं, ये बच्चे को अपन को पिलाना है। तो ये पिलाने का उद्देश्य यही है कि डायरिया में जो पानी निकल रहा है शरीर से बच्चे के तो उसकी पूर्ति हो सके, लिक्विड पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए। दूसरा जो 6 महीने तक का बच्चा है उसको अपन क्या दे सकते हैं, 6 महीने तक के बच्चे को अपन केवल ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, साफ पानी सादा पानी दे सकते हैं, और तीसरा चीज ORS दे सकते हैं। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको सादा पानी तो देना है, ORS देना है, और ये सब चावल का मार, दाल सब्जी का पानी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ऊपर का खाना भी देना है। 6 महीने से बड़े बच्चों में ऊपर का खाना बंद नहीं करते, उनको भी देना है, जैसे खिचड़ी है, दाल चावल है, केला मैश करके दे सकते हैं। तो ऊपर का खाना भी देना है, ऊपर का दूध भी देना है, और सादा पानी और ORS, ये बड़े बच्चे में 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनको देना है। कुछ हानिकारक हार्मफुल चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, लिक्विड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, फ्रूटी है, कोको कोला है, ये सब चीज़ें हैं डायरिया में बच्चों को नहीं देना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या है फ्रूटी मांगते हैं, तो मीठी होती है टेस्ट में,